हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ नाजिया पैशन। और फ्रेंड्स कैसे हैं? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ बहुत ही यमी और बहुत ही जो है जल्दी बनने वाली रेसिपी है। दो स्टेप में बनती है, बहुत जल्दी नहीं, लेकिन ये है कि जितनी ज़्यादा होगी तो उतनी क्वांटिटी के हिसाब से वो तो थोड़ा टाइम लेती है। तो मैं बनाऊंगी तकरीबन 250 ग्राम बेसन के हिसाब से। तो उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ खंडैयाँ, और खंडैयों में आपको पता है बेसिकली जो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होता है बेसन। तो बेसन ये रहा 250 ग्राम, और ये कुटी मिर्चे मैंने हाफ टी स्पून लिए, और ये है लहसुन अदरक, ये भी तकरीबन है हाफ टी स्पून। ये मैंने बिल्कुल बारीक बारीक देखे हैं, आप इसके साइज देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल बारीक बारीक जो है इसको काटा है हरी मिर्चों को। तो ये दो हरी मिर्चें हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। बच्चे हों तो नहीं डालें तो ये आपकी मर्जी है। बाकी ये मैंने लिया है सूखी मेथी है, और ये तकरीबन एक चम्मच है। बाकी नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग से मैंने एक चम्मच लिया है। ये गरम मसाला है, ये हाफ टी स्पून है, और ये है पिसी हुई मिर्चें, ये भी हाफ टी स्पून है। ये हल्दी है, ये भी हाफ टी स्पून है, और इसमें जाएगा जीरा, सफ़ेद ज़ीरा, तो ये भी मैंने एक टी स्पून लिया है। तो बस अब हम इसको दूसरे बाउल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक मैंने बड़ा बॉल ले लिया है, तो अब इसके अंदर बस हम लोग ये सब चीज़ें इसमें डालेंगे। ये बेसन मैंने डाल दिया, ये इसमें ज़ीरा जाएगा, ये आ गए कुटी हुई मिर्चें, ये आ गई हल्दी, पिसी हुई हल्दी, और ये आ गया पीसी मिर्चों का पाउडर, और ये लहसुन अदरक है, ये गरम मसाला का पाउडर, नमक, और ये सूखी मेथी, बाकी ये हरी मिर्च है। तो बस हम इसको जो है अच्छी तरह मिक्स करते हैं पानी से, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कितना इसमें पानी डालना है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं अभी इसमें डालने जा रही हूँ कम से कम ये एक गिलास पानी। और हमें इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है, और इसकी इतना जो है हमें मिक्स करना है कि इसकी गुठलियां नहीं बने। बस ये मिक्स होता है तो मैं मिलती हूँ आपसे। ओके फ्रेंड्स, देखें मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है एक पतीली में, और अब मैं चूल्हा जलाने जा रही हूँ, और इसको हमें इतना पकाना है कि ये अच्छा एक सूदिंग सा बैटर जो है नहीं बन जाता। तो मैं आपको दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। ओके, फ्लेम ऑन है और मीडियम मैंने आंच रखी है। तो बस अब मैं इसको अच्छे से पका रही हूँ, मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखना है। स्टार्ट करो। ओके फ्रेंड्स, देखें मैं इसको अच्छे से जो है इसकी भुनाई कर रही हूँ। देखिए हमें हाथ नहीं रोकना, बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना है, बिल्कुल इसको मुसलसल जो है इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। ये देखें अब ये गाढ़ेपन पे आ रहा है, और बिल्कुल हाथ नहीं रोकना है भाई। इसकी जो बुनाई है उसी में थोड़ी मेहनत है, उसी से ही हमारी जो ये बाज़ लोग पिट्टू कहते हैं, बाज़ लोग पिट्ठी कहती हैं, तो बस अब जो भी कहते हैं, लेकिन बनता बहुत मज़े का ये। तो मैं इसकी बुनाई करती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, इसकी भुनाई हो रही है और हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेडी है? जब ये बिल्कुल पैन छोड़ देगा तो उस वक्त हम इसको निकाल लेंगे। करीब कर दे। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये रेडी है। बस अब हम इसको शिफ्ट करते हैं दूसरे एक ट्रे में। बस ये मैं इसको ट्रे में शिफ्ट कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको फैलाऊंगी सब जगह। इसको फैला के फिर मैं मिलती हूँ आपसे। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने पैन ले लिया है और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ ऑयल। ओके फ्रेंड, मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। ये तकरीबन मैंने डाला है हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा ऑयल। और इसके साथ ही मैं आपको इसका जो दूसरा स्टेप है, इसकी जो ग्रेवी है, उसका मैं आपको बता दूं कि उसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, ये दही है, ये 1 कप दही है, और बाकी ये थोड़े से गर्म मसाले लिए हैं, ये सिनेमन स्टिक है, और ये तेज़पत्ता है, ये 1 मैंने बड़ी इलायची ली है, 4 लौंगे लिए हैं, और तकरीबन 6 से 7 मैंने लिए हैं गोल वाली काली मिर्च। बाकी ये जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 1 चम्मच लिया है मैंने। ये नमक है, ये भी मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून लिया है। हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून ली है। ये धनिया पाउडर है पिसा हुआ, ये भी मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, बाकी ये सफ़ेद जीरा है, ये भी मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। तो बस अभी हमने जो है ऑयल कर दिया है, तो बस हम डालेंगे जो हमने खड़ा गरम मसाला था वो डाला है हमने। अभी हम इसको अच्छे से पकाएंगे, अच्छी सी ये खुशबू आने के बाद फिर हम और मसाले डालेंगे इसमें। ओके फ्रेंड्स, तो मसालों में एक ये भी था, तो मतलब ये है ना, 1 बड़ा प्याज और मैंने 1 बड़ा टमाटर लेके और इसका पेस्ट बना लिया है। तो ये जो है ये ग्रेवी में शामिल है, तो ये भी इसके साथ जाएगा। तो बस ये जरा सा मसाला ये हो जाए तो फिर हम आपसे मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखें अब ये हो गए हैं और बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है। तो इस टाइम पे आके अब हम लोग डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। भाई इसका अच्छा सा कलर आता है तो फिर हम इसमें प्याज और टमाटर जो पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। ये अच्छा सा कलर आ जाए फिर डालते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये इसका कलर चेंज हो गया है, तो बस अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें ये प्याज टमाटर का जो पेस्ट था। अब इसको अच्छे से भुनाई करूँगी अभी मैं इसको। ओके फ्रेंड्स, अभी इसमें मैं डालने जा रही हूँ ये जो मसाले मैंने बताए थे, हल्दी पाउडर और ये लाल मिर्च का पाउडर। ये धनिया पाउडर, नमक और ये जो जीरा है। बस अभी हमें इसके साथ अच्छे से भुनाई करनी है इसकी। भाई ये भुनाई होती है तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर। ओके फ्रेंड्स, देखें हल्का हल्का इसका भी तेल छूट रहा है, लेकिन अभी हमें इसकी और भुनाई करनी है ताकि इसका अच्छे से ऑयल छूट जाए। तो इसकी भुनाई होती है तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। ओके फ्रेंड्स, ये देखें हमारी जो ग्रेवी है उसने ऑयल पूरा छोड़ दिया है और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ दही। तो दही बहुत खट्टा है तो इस वजह से मैं इसमें डालूंगी हाफ, ज़्यादा खट्टा ना हो जाए सालन। बस इसको अच्छे से पकाना है कि दही की बिल्कुल भी फुटकियाँ वगैरह नजर ना आए। तो इसकी भुनाई होती है तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। देखें फ्रेंड्स, हमारा जो मसाला है वो देखें भुन रहा है। तो ये भुन रहा है, इतने में ऐसा करते हैं ना, हम लोग जो हमारी ठंडियाँ हैं हम उनकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कटिंग करते हैं।
तो फ्रेंड्स ये रही हमारी कन्हैया और बस अब हम इसकी कटिंग करते हैं। चाहे हमने इसकी कटिंग कर ली है, अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखें हमने खंडैया जो है इसको कटिंग कर लिया है। बाकी जब बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो हम ये गरम मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून, और ये सूखी मेथी जो है ये डालेंगे एंड में बिल्कुल। तो बस ये हम लोगों का जो शोरबा है इसकी ग्रेवी ये रेडी होती है। बस ऑलमोस्ट भुनाई हो चुकी है तो बस थोड़ा सा और हो जाए तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। ओके फ्रेंड्स, देखें हमारी भुनाई हो चुकी है मसाले की। तो भाई इस टाइम पर मैं इसमें डालूँगी सूखी मेथी, क्योंकि ये फिर अपना जो है ना इसमें डिजॉल्व होने के बाद अरोमा देगी अपना। आप लोग बताइएगा आप लोग किस तरह बनाते हैं। ये मेरा स्टाइल है, मैं इस स्टाइल से बनाती हूँ। हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है। तो बस हमारी जो है ये भुनाई हो चुकी है इसकी। तो अभी मैं डालने जा रही हूँ इसमें शोरबा, शोरबे के हिसाब से पानी, आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो, आपको जितना जो है शोरबा चाहिए आप उस हिसाब से डालिएगा। तकरीबन मैंने डाला 1 गिलास पानी, तो मैं देखती हूँ। हाँ इतना सही है। तो बस अब मैं इसमें डाल दूंगी गरम मसाला डाल दूंगी अब इसमें। ये हमने गरम मसाला पाउडर डाल दिया इसमें और अब इसमें मैं डाल दूंगी खंडैया। तो फ्रेंड देखें मैंने जो है ये खंडैया इसमें डाल दी हैं। तो हमारा खंडैया का जो सालन है वो रेडी है माशाल्लाह। देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह। तो आप मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरे स्टाइल से खंडैया बनाना कैसा लगा, और आपको इसकी जो है जो इसका बैटर वगैरह है वो आप किस तरह बनाते हैं। आप मुझसे अपनी भी शेयर कीजिएगा कि आप लोग किस स्टाइल से बनाते हैं और मेरे स्टाइल से बनाना आपको कैसा लगा। तो ज़रूर मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।